स्वागत है आपका टेक्निकल रिकैप चैनल में। आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में हम आपको मैक एड्रेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। एक नेटवर्क केवल कंप्यूटरों से नहीं बनता, कंप्यूटरों के अलावा अन्य प्रकार के नेटवर्क डिवाइस भी इस नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, जिनकी बदौलत ही एक नेटवर्क अपना काम सुचारू रूप से कर पाता है। मगर इतने सारे डिवाइसों को पहचानने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस को एक नंबर दिया जाता है, जो उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस कहलाता है और यही इसकी पहचान होती है। नेटवर्क की भाषा में इसे मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस नेटवर्क डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसे मैन्युफैक्चरर द्वारा डिवाइस की मेमोरी में या फिर अन्य विधि द्वारा डिवाइस में ही एम्बेडेड किया जाता है। यह एड्रेस डिवाइस के NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को असाइन किया जाता है, जो एक से भी ज्यादा हो सकता है। मैक एड्रेस को IEEE नेटवर्क के सभी नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। IEEE 802 नेटवर्क की डेटा लिंक कंट्रोल लेयर के दो भाग होते हैं, पहला लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरा भाग मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर होता है। मैक एड्रेस वही दूसरा भाग है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिवर्सल यूनिक होता है, यानी हर डिवाइस का अलग मैक एड्रेस असाइन होता है। इस भौतिक पहचान से ही डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होती है, इसे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। साथ ही मैक एड्रेस को नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस, इथरनेट हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। मैक एड्रेस फॉर्मेट। नेटवर्क डिवाइस लाखों की संख्या में मौजूद होने के कारण मैक एड्रेस की संख्या का दायरा भी व्यापक है, क्योंकि प्रत्येक डिवाइस को यूनिक मैक एड्रेस असाइन करना पड़ता है। इस काम को करने के लिए IEEE के स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक मैक एड्रेस 48 बिट का होता है और इसमें 12 अंकों का पहचान नंबर होता है, जिसे 2 अंकों के समूह में 6 संख्या में लिखा जाता है। प्रत्येक संख्या को कॉलन से अलग किया जाता है। मैक एड्रेस की 12 अंक की पहली 6 संख्या मैन्युफैक्चरर की पहचान होती है, जिसे OUI ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। इस संख्या को IEEE की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कमेटी द्वारा असाइन किया जाता है, जैसे कि कुछ पॉपुलर OUI का नाम और पहचान। बाकी 6 नंबर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेटवर्क डिवाइस का मैक एड्रेस कैसे पता लगाएं? आप कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़े नेटवर्क डिवाइसेस के मैक एड्रेस का पता आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि विंडोज के लिए आपको जाना होगा अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट पर, फिर उस पर आपको टाइप करना होगा गेट मैक। यहाँ पर आपको आपके डिवाइस का ब्लूटूथ, वाईफाई, लैंड इथरनेट कार्ड का मैक एड्रेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं एंड्रॉयड डिवाइस की। सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग पर, फिर आपको क्लिक करना होगा अबाउट डिवाइस पर। इसके बाद स्टेटस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको वाईफाई एड्रेस या फिर VLAN एड्रेस दिखाई देगा। यही आपके स्मार्टफोन का मैक एड्रेस है। तो आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कुछ डाउट या सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।